राजस्थान के इतिहास से खेलना जैसे लेखकों की आदत हो गई है, कभी महाराणा प्रताप तो कभी कुछ लिखकर इतिहास को बदलने में लगे हुए हैं। ऐसा ही देखने में आया है दसवीं की किताब में, जिसमें सरगढ़ा जाति के ऊपर की गई है टिप्पणी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पहले सरगढ़ा समाज ने अपने समाज के इतिहास और प्रतिष्ठा से होते खिलवाड़ को स्कूलों में गलत पढ़ाए जाने संबंधी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कई कार्रवाई नहीं होने पर लेखकों को लीगल नोटिस व जोधपुर पुलिस कमिश्नर को कार्रवाई करने की शिकायत की, तो पुलिस ने आज उनको जवाब तलब करने बुलाया। विष्णु सरगढ़ा बताया कि पाठ्य पुस्तक में समाज को सरगढ़ा, सरगढ़े व मनोरंजन करने वाली जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया है। समाज के लोगों का मानना है कि अगर सरगढ़ा समाज है तो ये विलुप्त कहाँ है। अगर कला और फिल्म क्षेत्र में काम करने वालों का कोई इतिहास लिखे तो पूरे समाज को क्या उसमें जोड़कर नाचने गाने वाला बताएगा। ऐसे ही कई साक्ष्य पेश हैं कि सरगढ़ा समाज एक स्वाभिमान किसान वर्ग से जुड़ा धरती पुत्र है, लेकिन बच्चों को इतिहास की शिक्षा में समाज को मनोरंजन करने वाली जाति दर्शाया जा रहा है। लेखक अनुसार सरगढ़ा व सरगढ़े ना होकर ये सरगढ़ा है। इस मामले में निष्पक्ष जांच और अपमानित सरगढ़ा समाज पक्ष को सम्मान दिलाकर न्याय देने की मांग की है। सरगढ़ा समाज की ओर से कालू राम, रामपुरा, जगदीश भाटी, लक्ष्मण चौहान, तुलसीदास पाणिवार आदि समाज बंधु मौजूद थे। सरगढ़ा समाज पर राजस्थान की दसवीं पाठ्य पुस्तक में जो जाति सूचक शब्दों और अन्य जातीय टिप्पणों से जो टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर सरगढ़ा समाज द्वारा जो महाबली सेना है, महाबली सेना के स्वाभिमान सिपाहियों द्वारा जोधपुर कमिश्नरेट पेश होकर कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन के अंतर्गत आज हमारी संबंधित ईदगाह पुलिस चौकी के अंदर थाना चौकी SI हरि सिंह जी द्वारा और अन्य अधिकारीगण द्वारा हमारे बयान लिए गए, जिसके अंदर बयान में हमने तथ्य और साक्ष्यों के साथ में जो स्वाभिमान सरगढ़ा समाज है उसका हमने आज पूरा फाइल के सहित हमने बयान दिए और बयान में बताया है कि जो पाठ्य पुस्तक के अंदर जो सरगढ़ा समाज है उसको कहीं तो सरगढ़ा, कहीं सरगढ़े बताया, परंतु आज हमने तथ्य और साक्ष्य के साथ में यहाँ जो पुलिस की कार्रवाई थी प्रशासनिक, उस कार्रवाई के अंतर्गत हमने हमारा जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति समाज का पेश करके यह बता दिया है कि हम सरगढ़ा है। दूसरा, कृषि एक्ट जो लागू हुआ था जिसके अंदर कृषि भूमि मिली थी, उसमें भी हमने आसारे दस्तावेज दिए हैं, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर समस्त किसान सरगढ़ा समाज को वो कृषि भूमि और खेती करने की जो हमें प्रावधान दिया गया था उसके अंतर्गत ये साबित होता है कि सरगढ़ा समाज एक किसान वर्ग से जुड़ा स्वाभिमान सरगढ़ा समाज है, जिसका जोधपुर जिले के बिलाड़ा तहसील धाम पिचाग में एक भव्य मंदिर है। जो हम बातें सारी सरगढ़ा समाज के एक ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में आज हमने पेश की। विष्णु सरगढ़ा मॉल चीफ महाबली।